नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलिए थोड़ा सा गाड़ी को लेके जाते हैं। इसे मुझे सब कुछ तो पता नहीं है क्या क्या है क्या नहीं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज जब तक मैं चलाऊंगी नहीं तब तक इसके साथ मैं ज्यादा मतलब मुश्किल होगा जी, उतना ही ज्यादा उतना ज्यादा डर रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चला रही हूँ। तो चलिए फटाफट से गाड़ी को चलाते हैं, देखते हैं कितना मैं चला पाती हूँ। बहुत धीरे धीरे चलाऊंगी, ज्यादा जोर से मैं नहीं चलाऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite, and if you keep me close every minute in this hourglass you hold, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो ऐसे तो अच्छी हूँ, लेकिन हाँ वीडियो के लिए अच्छी नहीं हूँ, बिकॉज वीडियोज में बना ही नहीं पा रही हूँ। बेटी को देखते देखते इतना प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इतना टाइम का इशू हो रहा है, तो देखते हैं कितना जल्दी मैं डाल पाती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ख़राब लगता है कि वीडियो नहीं जा रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और कुछ नहीं, इसमें कुछ लेसन्स तो नहीं रहेगा, बिकॉज मैं खुद ही अभी लेसन्स जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं। आज मेरा फर्स्ट डे है एंड थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा डर भी है, बिकॉज मेरे साथ आज कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटी स्कूल में चली गई है, तो थोड़ा सा, लेकिन क्या हो रहा है ना कि सबके साथ निकलूँगी करते करते बहुत देर हो चुकी है, तो इसलिए अभी जो मुझे लग रही है कि जब तक वो स्कूल जाएगी तब तक मैं थोड़ा बहुत चला लूँगी, तो एक दो वीडियो भी शूट हो जाएगा और थोड़ा बहुत हैबिचुएट भी हो जाऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं जो गाड़ी चलाती थी उसमें पावर स्टीयरिंग तो नहीं है, एंड इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, बहुत कुछ है। तो पावर स्टीयरिंग के साथ ना आपको हैबिचुएट थोड़ा सा होना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे वो थोड़ा सा टाइट जैसा था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घुमानी पड़ती थी तब जाके गाड़ी थोड़ा सा घूमती थी। बट इसमें क्या है ना, इस बहुत थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो उसमें ही गाड़ी लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड टू ड्राइव इट, बट थोड़ा सा डर अगर आप बोल रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा डर है, बिकॉज कोई है नहीं मेरे साथ, तो इसलिए मुझे, और गाड़ी जो है कोई भी वो भी जो गाड़ी में चलाती थी, मुझे लगता है कि गाड़ी की सेफ्टी मुझे सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो भी आपका बहुत प्यारा चीज़ है, तो उस चीज़ से अगर आपकी लगाव है, आपका प्यार है उसके साथ, तो वो भी आपको बहुत प्यार करेगा और वो भी ट्राई करेगा हमेशा वो भी आपके साथ रहे। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं बैक करूँगी। तो मेरा ये जो आदत है मिरर देख के मैं बैग ज़्यादा नहीं करती हूँ, पीछे देख के, तो ये सीट जो है ना ये थोड़ा सा नीचा है, तो इसमें देखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो मैं इसी तरह से ही गाड़ी को निकालूंगी एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी। एंड आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो जरूर 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 लाइक कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिएगा। एंड रियली सॉरी कि थोड़ा सा डिले आ रहा है, थोड़ा डिले आएगा फेब्रवरी तक, फेब्रवरी मार्च के 15 तक, उसके बाद मैं ये जो इतना ज़्यादा डिले हो रहा है ये सब के सब वीडियोज़ में एकदम पूरा साइड बाय साइड डालती जाऊंगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ, बहुत एक झटके में ऑन हो जाती है, और इसका जो हैंड ब्रेक वो मैंने रिलीज कर लिया है। बैठने में जा रही हूँ तो
मिरर उठा देते हैं सबसे पहले। अब थोड़ा सा ना साउंड जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा आएगा, बिकॉज साउंड की यहाँ पे ना मैं पैडल व्यू जो है वो उस गाड़ी में मैंने बहुत अच्छी तरह से सेट करके रखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं देखते हैं हम कि कितना मैं कर सकती हूँ। गाड़ी तो किसी हाल में मैंने निकाल लिए हैं, पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ हुआ, बट मैंने तो हैंडब्रेक भी रिलीज़ कर दिए हैं और एसी भी मैंने डर के मारे बंद कर दिए, पता नहीं एक आवाज़ जैसा हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे। गाड़ी का एक मतलब मुझे तो इस टाइप का गाड़ी का कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लच में आज पैर रखूंगी, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट ब्लॉग इन दिस कार, तो इसका नाम भी मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ कि फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, एंड पैडल्स भी जो मैंने दिए हैं ना वो बस मुझे ही मालूम है कि मैंने किस तरह से मैनेज किए हैं, बिकॉज पैडल भी जो है, अच्छा सेकेंड गियर में गाड़ी चल रही है, ओके। जो हुक्स मैं पहले यूज़ करती थी वही मैं यूज़ कर रही थी, बट मुश्किल ये हुआ कि वो यहाँ पे किसी भी जगह पे सेट नहीं हुई है, सो मैंने और मैं बता नहीं रही हूँ कि किस तरह से मैंने दिए हैं। तो चलिए, बहुत आराम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं ये गाड़ी को मैं ड्राइव कर रही हूँ, बिकॉज एक तो ये पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग में एक अलग मज़ा है। पावर स्टीयरिंग अगर आप यूज़ करते हैं, मैंने पहले कभी चलाया नहीं है, तो आज मैं चला रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। एंड मैंने देखा कि मैंने घर का की कहाँ पे रखा है, क्योंकि आज ना मेरा मुझे थोड़ा सा नर्वस भी मैं फील कर रही हूँ, बिकॉज मैं अकेली जा रही हूँ और ऊपर से गाड़ी में मुझे हल्का सा आवाज़ महसूस हुआ था, अब वो क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे मैं सेकंड गियर में ही गाड़ी को रखी हुई हूँ, एंड यहाँ पे जो एक हल्का हल्का सा आवाज़ मुझे फील हो रहा है, एक्चुअल में क्या है ना कि वो जो गाड़ी मैं चलाती थी उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता था, उसमें कुछ भी बाकी का कुछ भी आपको सुनाई नहीं देता था ज़्यादा। और यहाँ पे ये देखिए गाड़ी आ गई है, एंड मैं अभी इसको थर्ड गियर लगाऊंगी क्योंकि मुझे थर्ड गियर भी लगाना है, तो चलिए थर्ड गियर लगा देते हैं, क्योंकि गियर तो अच्छी तरह से लग गई है, तो मैं लगा रही हूँ थर्ड गियर। यहाँ पे देखिए मैंने क्लच में तो पैर छोड़ दिए हैं, लेकिन क्लच का सामने ही मेरा पैर है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं क्लच जरूर दबाऊँ इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट टाइम आप किसी भी चीज़ को चलाएंगे, एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है, और दूसरा है कि एक डर सा भी रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नया गाड़ी है, ठीक है। और मेरा हस्बैंड थोड़ा सा मतलब इस टाइप का है कि थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ठीक से देखना चाहिए ये वो। तो यहाँ पे मैंने दे दिए हैं सेकंड गियर में, ठीक है, मैंने गाड़ी को सेकंड गियर में रख दिए हैं। यहाँ पे मैं घुमा दूंगी, बहुत थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग है, बिकॉज इसमें कुछ लेसन वगैरह है नहीं, मैं खुद ही अभी लेसन कलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी, इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हैं और हल्का हल्का मैंने ब्रेक भी दबाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गाड़ी को घुमाया। देखिए ये जो रोटरी है, रोटरी के बहुत सामने से आप लोगों को क्रॉस करना चाहिए, घुमाना चाहिए, तो लोगों को पता चलता है। बट आज मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दूर से गाड़ी लिए हैं, एंड एक बाइक किया तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम मेरे साइड से एकदम से किया, तो वो ठीक है, वो उसका काम है। तो चलिए, और ये जो मैंने साड़ी का स्टाइल आज किया है, इसका साड़ी ड्रैपिंग वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा रिमी दास बंगला ब्लॉग चैनल में, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ये जो साड़ी ब्लॉग है, लेकिन ये वीडियो पहले आने वाला है, मतलब इस चैनल में वीडियो पहले आ जाएगा, साड़ी ड्रैपिंग जो है वो बाद में आएगा, वो आएगा नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कम से कम वीकली दो वीडियोस डाला जाए, लेकिन हाँ बाइक्स वीडियोस का पता नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा मुझे मंगवाना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। मैं फिर भी देखिए अभी ऐसा है ना कि
और आज जो पैडल व्यू आएगा ना वो थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा आ सकता है, ठीक है। मैं सेकंड गियर में है गाड़ी को, तो मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को लगाए हैं एंड उसके बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रही हूँ। कोई भी मेरा पास से जा रहा है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे देख के चलो यार, देख के चलो, इस तरह से लगता है मुझे कि मैं कहूँ कि आप थोड़ा सा देख के चलो। तो ये फर्स्ट गियर में है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो मैंने सेकंड गियर में गाड़ी को दे दी है। थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं कोई भी गाड़ी को तो थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन आप इसके लिए डरना मत। अगर आप डर जाएंगे तो नहीं चला पाएंगे। आपको 2-3 दिन 4 दिन आप चला लेंगे ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा हैबिचुएट आप हो जाते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होगा। थर्ड गियर मैं यूज़ कर रही हूँ, यस मैंने थर्ड गियर दे दिए हैं एंड पैडल व्यू भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा बिकॉज पैडल व्यू ठीक से सेट नहीं हो पाई है। आज मैं देखती हूँ अगर कोई भी होल्डर मुझे मिल जाती है इसके हिसाब से तो उसको खरीद के लगाने में कम से कम 10-15 दिन लग जाएगा। अभी तो वीडियोज भी मेरा बहुत कम आ रहा है, तो आई होप कि नेक्स्ट वीक तक जो वीडियोज आएगा या फिर उसके बाद जो वीडियोज आएगा उसमें पैडल व्यू ठीक से आ जाएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ फोर्थ गियर। यस मैंने फोर्थ गियर में डाल दिया है बिकॉज यहाँ पे मेरा एकदम 40 दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको पैडल व्यू जो सॉरी थोड़ा सा उल्टा सीधा भी बोल रही हूँ शायद। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पूछेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा है, चला के कैसा है, तो हाँ चला के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि पावर स्टीयरिंग ऐसा चीज़ है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली गाड़ी को ना ड्राइव कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, वो गाड़ी भी मेरा अच्छा था, उसको भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ आजकल। तो चलिए फोर्थ गियर से मैं दे दूँगी अभी गाड़ी को थर्ड गियर। इंडिकेटर मैंने दिए हैं, गाड़ी को मुझे घुसाना है एंड देख रही हूँ कोई है तो नहीं, क्योंकि गाड़ी को मुझे घुसाना है। तो देखिए हो नहीं पाया, इसको मुझे बैक करना पड़ेगा। कोई दिया इसलिए गाड़ी मुझे थोड़ा सा आवाज किया। पीछे कुछ भी आपका आ जाता है तो इसलिए गाड़ी क्या है ये बहुत आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं गाड़ी हमेशा एक बार में घुसा लेती हूँ। यहाँ पे मुझे गाड़ी को फर्स्ट गियर मैंने यूज किए हैं एंड कोई सरसर है, कोई सरसर है, और सब ना एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डरे हुए हैं थोड़ा सा इस तरह से है ना, तो दूसरे भी आपको देख के डर जाते हैं कि पता नहीं ये बंदा किस तरह से कर लेगा, तो पता नहीं धक्का अगर दे दिया तो ऐसे ही होता है। मतलब थोड़ा सा मैं एसी चला लेती हूँ, ओके बहुत गर्मी लग रहा है मुझको। तो इस गाड़ी में ये खासियत है कि इसमें एसी है जो कि मेरा कभी था नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एसी में एंड गर्मी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेयर किया है सनग्लास एंड आप लोग इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज थोड़ा सा ड्राइविंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा धीरे चलाए, थोड़ा कहीं पर ठुकना दूँ, कहीं पर थोड़ा सा देख के चलाऊँ इस तरह से, क्योंकि तो चलिए मैं इसको हैंड ब्रेक दे दी हूँ एंड एसी को बंद कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी को भी बंद कर देते हैं, पैडल व्यू भी बंद कर देते हैं। रुकी, ओ अब ये मैं गेट खोलने चाह रही थी बट गेट खुला नहीं, गेट ओपन नहीं हुआ बिकॉज इसमें एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है उसमें आप जब तक गाड़ी को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप गाड़ी को खोल नहीं सकते। क्यों तो मैं यहाँ पे गाड़ी को, अगर मैं गाड़ी से निकलना चाहूँ तो इसको पहले मुझे बैटरी इसका ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो लॉक सिस्टम है, अनलॉक सिस्टम है, उसको आपको दबाना है, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं, जो कि मुझे मालूम नहीं था। तो मैं निकल जाती हूँ। चलिए गाड़ी को अंदर कर देते हैं और
इसी गेट से मैं हमेशा गाड़ी घुसाती हूँ, बट आज मुझे पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी घुसाने के लिए भी मुझे दो बार सोचना पड़ रहा है। तो गाड़ी मैं ऑन कर चुकी हूँ, हैंड ब्रेक मैंने रिलीज कर दिया है, गाड़ी को गाड़ी पीछे जा रही है, गाड़ी को मैंने फर्स्ट गियर दिए हैं, गाड़ी को मैंने फर्स्ट गियर दिए हैं एंड गाड़ी को मैंने बहुत अच्छी तरह से घुसा लिए हैं। हैंड ब्रेक मैंने दे दिए हैं एंड इसको मैंने बंद कर दिया है। फाइनली आई हैव डन इट। सो अगर आप लोग कहेंगे कि आपको कैसा लगा, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नया गाड़ी है आगे, अब तो मुझे गाड़ी को ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड थोड़ा सा डीले के लिए माफ़ी मांग रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि कितना जल्दी दे सकूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी वीकली कम से कम दो वीडियोज़ में डालूँ। तो देखते हैं, एक्चुअल में पढ़ाई इतना ज़्यादा है, उसको देखते देखते टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। ओके बाय। चाबी मैंने निकाल लिए हैं। बाय, टेक केयर।